took a chance on a good thing. Yeah. Now I got you on my right wing. Assalamualaikum, उम्मीद है कि आप सब लोग लेक्स्ट पेशों के वेलकम टू मोहम्मद शाह। 3 दिन से मैं जिम जा रहा हूँ और ये 6 महीने के बाद में गया था। जब आप फर्स्ट टाइम जिंदगी में जिम जाते हैं तो आपको जो कड़ल पड़ते हैं, मतलब कड़ल मतलब के जो आपको क्या बोलेंगे उसको, जो खलियाँ पड़ती हैं वो उस लेवल की नहीं पड़ती, मतलब एक अलग तरह की दर्द होती है। लेकिन जब आपने एक्सरसाइज एक बार की होती है और छोड़ने के बाद फिर आप करते हैं, मतलब 6 महीने छोड़ा, साल छोड़ा, जैसे मैंने 6 महीने छोड़ी, उसके बाद जब आप करते हैं ऐसा लगता है अंदर वट्टे पड़े हैं। अभी मेरे चेस्ट में ऐसा फील हो रहा है, कल मैंने बहुत मुश्किल से एक्सरसाइज की थी, कल जब मैं जिम में एक्सरसाइज कर रहा था तो ये ऐसे अभी भी नहीं हो रहा, अभी तो फिर भी थोड़ा बहुत जा रहा है, कल तो बिल्कुल नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था अभी ये फट जाएगा यहाँ से। 2-3 दिन के पहले दिन इतना फील नहीं हो, दूसरे दिन और ज्यादा हुआ, और तीसरे दिन तो हाथ यूं भी नहीं जा रहा था, अभी भी महसूस बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन जिम में तो बिल्कुल भी नहीं जा रहा था। तो फिर भी बहुत जोर लगा, बड़ी मुश्किल से एक्सरसाइज की थी, क्योंकि ये वो टाइम है, अगर आपने इस पे मिस कर दिया तो फिर जब भी आप दोबारा करेंगे वो दर्द तो आपको मतलब होनी होनी है। पप्पू भाई के पास हम लोग पहुंच चुके हैं और अभी जाके सूरत हाल देखते हैं घर की किस तरह की है। बस ये एक मोड़ है यहाँ से और तो माशाल्लाह ये बड़ा प्यारा बन गया। एक 1.5 माह लगा इसको टोटल बनाने में। जब मैं फर्स्ट टाइम आया था तो थोड़ी भाई सिर्फ इसकी नीयत डली थी, जब मैं सेकंड टाइम आया तो काफ़ी ज़्यादा बन चुका था और अब ये आपके सामने है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ ये इसका गिराज है, ये पीछे सारा घर है और ये पूरा पीछे गिराज है, यहाँ तक की दीवार है इसकी, ये यहाँ से टूटेगा और यहाँ तक गेट सामने आएगा और यहाँ आराम से 3-4 गाड़ियाँ आ सकती है, इतना बड़ा गिराज है। और यहाँ भैंसे अंदर ही होंगी पप्पू, वो ऐसे जैसे ही घर बनेंगे भैंसे बाहर, ऊपर जाना पहले। वो कुत्ता किधर गया? मर गया। हैं? मर गया? कैसे? गाड़ी के नीचे आ गया। इधर ही? अच्छा। वही कुत्ता जो आप लोगों ने देखा था ना, जो यहाँ इस जगह तालाब में लकड़ियाँ फेंकते थे, लकड़ियाँ लेके आता था, तो वो पप्पू भाई कह रहे हैं गाड़ी के नीचे आके मर गया। यहाँ तो गाड़ी की स्पीड भी नहीं होती, नीचे कैसे आ गए? मेन पे क्या हुआ था? चावल खा आया मैं बस। ये सारे मैं नहीं खा सकता यार, ज्यादा मैंने खाने था। गांव वाले लोग होंगे तकरीबन 50, तो ये तो 500 पे चला जाएगा। और तकरीबन कोई 10 दोस्त मेरे अब्बू के होंगे। पप्पू भाई बात कर रहे हैं आतिफ की, पप्पू भाई सबसे बड़ा बेटा है ना, उसकी शादी है 3 दिसंबर को, वकास है, वो भी हमारे साथ आएगा 3 तारीख को और यहाँ पे इंशाल्लाह इकट्ठे होंगे सारे और सारे इकट्ठे मिलके काम करेंगे। शाह को भी अगर टाइम मिला शाह भी आएगा, वरना वकास और मैं तो आएंगे इंशाल्लाह। और काफी ऑफर है मेरे पास। ये टोटल है कितने मरले में? 12-18 ये गिराज मिला के। अभी जरा आपको दिखाते हैं अंदर से सारा, जो नीचे पहले तो ऊपर से दिखाया था ना, अभी नीचे से टीवी लॉन्च। अच्छा ड्राइंग रूम। और ये कमरा। अच्छा कमरा, ये भी कमरा है? हाँ, ये के लिए, ये आतिफ के लिए। हाँ, अच्छा ये भी कमरा है? सही। और ये किचन? हाँ, सही। और इसके पीछे से जो है सारा वो बनाया हुआ, जैसे होता है ना बड़े खुली खुली जगहों में, खुले खुले घरों में चारों तरफ से ये जो गली बनाते, क्या पता नहीं इसको बोलते क्या, पूरी चारों तरफ से। हाँ गली चारों तरफ, पीछे ये एरिया थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ से खुला है काफ़ी, और साइडें जो हैं वो थोड़ी सी हैं भरी। और ये कब तक हो जाएगा सारा कंप्लीट पूरा? पूरा हो जाएगा ये बोल रहे हैं 25 तारीख को। अच्छा
25 तारीख को 5-6 दिन में जो है ये फुल कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा मतलब बच्चे भी दे दिए? मैंने कहा शायद बच्चे देने वाली है, कहाँ पे? अच्छा वो अंदर, अच्छा पता चले वो भी अंदर ही आ जाए, वो आवाजें निकाल रही है। एक कुत्ता तो आप लोगों ने देखा था जो पानी के अंदर से लकड़ियां लेके आता था, और दूसरी एक और भी थी जो मैंने आपको दिखाई थी पिछले वाले वीडियोस में, उसके भी बच्चे दिए। ये जो आपको सामने नजर आ रहे हैं, मैं इसके अंदर अभी चारों तरफ से केज कर इसलिए आया हूँ क्योंकि ये मेरे को खतरनाक सीन लग रहा है। ये चारों तरफ से बंद है और यहाँ से कुंडी लगाई हुई है कि अगर ये आती भी है तो अंदर ना आ सके, क्योंकि वो आवाजें बड़ी अजीब अजीब से निकाल रही है। आप जा सकते हैं इसके पास? नहीं जा सकता। आपको भी काटेगी? काटेगी यार, जिनकी पालतू होती है उनको काटती तो नहीं है? बच्चे हैं, मैंने अक्सर देखा है वो छोटे छोटे बच्चे उनके बच्चों को पकड़ लेते हैं। और कुत्ती है घर आप लोगों ने सारा देख लिया। पप्पू भाई ये कह रहे हैं जब पहली बार तू आया था तो ये नींव डली थी, दूसरी बार तू आया था तो इसकी थोड़ी बिल्डिंग बन गई, तीसरी बार आया अब ये ऑलमोस्ट सारा घर प्लस्तर भी हो चुका है तकरीबन। तो अगली बार जब आएगा इस पे चूना शूना पेंट शेंट भी हो चुका होगा। तो ये टोटल अभी बता रहे हैं आज 19 तारीख है, 25 तारीख तक ये फुल रेडी हो जाएगा। जो आतिश की शादी है, मेहंदी है 3 तारीख को, 3 दिसंबर को, और आज 19 नवंबर है, 18 नवंबर है, 19 नवंबर है, और कल जो 3 दिसंबर को सॉरी आतिश की बारात मेहंदी है, और 4 जो दिसंबर है उसको आतिश की बारात है। तो तब तक तो बड़े आराम से रेडी हो चुका होगा। 25 तक कह रहे हैं कि इसमें आप शामिल हो सकते हैं, मतलब घर के अंदर आ सकते हैं, सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं। तो तब भी आपको एक बार दोबारा घुमाएंगे कि टोटल रेडी होने के बाद टोटल किस तरह का लगता है ओवरऑल, क्योंकि अभी जिस तरह का दिख रहा है अभी तो दिख तो रहा है अच्छा है खूबसूरत है ये वो, लेकिन जब पूरा बन जाएगा असल खूबसूरती इसकी तब आएगी। तो अभी यहाँ से मैं कहाँ जाने लगा हूँ, मैं एक बंदे के पास जा रहा हूँ, और वो बंदे के पास किसके पास जा रहा हूँ आपको पता चलेगा अगले व्लॉग में, और किसकी बर्थडे क्या सीन है सारा हर चीज़ आपको पता चलेगी अगले व्लॉग में। उम्मीद है आपको ये व्लॉग अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक करें, और व्लॉग देखना चाहते हैं आप मोहम्मद शाह पर जाकर देख सकते हैं। तो निकलते हैं फिर यहाँ से और इस व्लॉग में से भी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।